नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किमी फ्रॉम ब्राइट स्किल्स विद किमी चैनल से, और एक बार फिर से आप सभी का हमारी चैनल में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है हॉलीहॉक प्लांट पर। तो ये जो आप साइड में देख रहे हैं दोस्तों, ये है ज़बरीना हॉलीहॉक। और इसकी पहचान दोस्तों ये होती है कि अगर आप लोगों के फ्लावर्स ना आए, तो इसीलिए बता रही हूँ, अभी तक फ्लावर्स नहीं आए हैं। तो दोस्तों, ये जो आप इसमें स्पॉट देख रहे हैं पर्पल कलर का ये लीफ के बीच में, तो दोस्तों ये इसकी पहचान है। और दूसरी बात, इसके जो फ्लावर्स हैं जब ये आएंगे, तो दोस्तों नॉर्मल हॉलीहॉक के फ्लावर्स इतने बड़े होते हैं, जबकि इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो थोड़े से छोटे छोटे होते हैं। सो गाइस, चलिए एक बार आप लोगों को मैं फ्लावर्स भी दिखा देती हूँ उसके। सो ये देखिए, ये इसके फ्लावर्स हैं गाइस, ये देखिए। अभी आज ही ये फ्लावर्स ने ब्लूम किया है दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा ये प्लांट प्यारा लग रहा है। आज बाहर बारिश हो रही है, इसीलिए मैं अपने प्लांट को भी अपने साथ ले आई हूँ। तो ये मेरा बहुत बड़ा दोस्त है दोस्तों, मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं मेरे सारे प्लांट, तो इसीलिए मैं इन्हें हमेशा अपने साथ ही रखती हूँ। सो गाइस, ये देखिए यहाँ पर क्या है कि इस प्लांट की केयर मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। आज सबसे पहले बात करेंगे इसकी सॉइल की। तो दोस्तों, सॉइल इसकी आप लोगों को बिल्कुल वेलड्रेन लेनी है। जितनी आप वेलड्रेन इसकी सॉइल लेंगे, उतना ही दोस्तों अच्छा ये प्लांट ग्रोथ करता है। और दूसरी बात, अगर आप इसको ग्राउंड में लगा देंगे, तो ग्राउंड में आपको और बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी दोस्तों, इसके जो आप लोगों को मैं दिखा दूं, इसके फ्लावर्स एक बार दोस्तों इसके फ्लावर व्यू दिखाऊंगी। इसमें मेरे और मेरी मॉम के दो फोटो आ रहे हैं, और पीछे आप लोग देख सकते हैं हॉलीहॉक के फ्लावर्स ढेर सारे खिले हुए हैं। तो ये यही प्लांट है। और दोस्तों, ये तो न्यू सीडलिंग से मैंने लगाया है, और एक ही प्लांटर में मुझसे ये दो लग गए हैं। तो दोस्तों, ये दो नहीं लगने चाहिए, ये हमेशा एक ही लगना चाहिए। आप दो लगा सकते हैं, लेकिन दो मत लगाइए, क्योंकि क्या होगा दोस्तों, इसमें रूट बाउंड बहुत जल्दी हो जाएगा, आपके फ्लावर्स बहुत जल्दी सूख जाएंगे, और आप इसका पूरा लॉन्ग लास्टिंग मज़ा नहीं ले पाएंगे फ्लावर्स का। तो दोस्तों, ये मुझसे गलती हो गई है। मैं असल में छोटी छोटी सी सीडलिंग्स लेके आई थी, तो बहुत छोटी छोटी सी थी गाइस सैम्पलिंग, और ये शायद लेके नहीं आई थी दोस्तों, ये अपने आप ही मेरे पुराने प्लांट से ग्रो हो गई थी सीड्स गिर के। तो दोस्तों, ये दोनों दोस्तों मैंने एक साथ लगा दिए थे, और गमले मेरे पास दो अवेलेबल नहीं थे उस वक्त, और ज़्यादा बड़ा प्लांटर देती तो ग्रोथ में डिस्टर्बेंस हो जाती। और बट गाइस, सही समय पे मैं सेपरेट नहीं कर पाई, तो दोनों ही बड़े हो गए हैं अब, और दोनों ही दोस्तों इस तरह ब्लूमिंग करने लगे हैं। तो अब मैं इन्हें सेपरेट नहीं करूँगी, लेकिन दोस्तों ये लॉन्ग लास्टिंग फ्लावरिंग मुझे नहीं दे पाएंगे। और अगर आप लोग लगाएं, तो दोस्तों आप लोग लॉन्ग लास्टिंग फ्लावरिंग के लिए इसको ज़रूर अपने गार्डन में दोस्तों ऐड मतलब कीजिए, और दोस्तों सिर्फ सिंगल प्लांट ही एक गमले में दीजिए। बाकी गाइस, वेलड्रेन सॉइल में आप लोग बराबर बराबर भाग में, बराबर बराबर मात्रा में, इक्वल मात्रा में कंपोस्ट, रिवर सैंड और दोस्तों सॉइल ले सकते हैं। रिवर सैंड की मात्रा आप हर सीजनल प्लांट में थोड़ी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, 40-30-30 का रेशियो ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस रेशियो में आपका क्या होगा कि रिवर सैंड में आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो एज अ स्टार्टअप मैं हमेशा बराबर बराबर ही बताती हूँ। इस प्लांट की दोस्तों हर वक्त गुड़ाई ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट, ये फुल सनलाइट का प्लांट है। थर्ड पॉइंट दोस्तों, इसको पानी बहुत ज़रूरी है, तो ये बहुत ही वाटर ड्रिंकर है मेरी तरह। और दोस्तों, मैं दिन में 2-3 लीटर वाटर पी लेती हूँ, तो वैसे ही ये प्लांट भी कम से कम बहुत वाटर पीता है गाइस पूरे दिन में। और गाइस, आप लोग भी पीजिए, ऐसा मैंने देखा है कि वाटर कम पीते हैं लोग, तो इसीलिए अगर आप लोग भी कभी कम पिए तो ज़्यादा पीजिए, बहुत ज़्यादा दोस्तों अच्छा रहता है वाटर पीना, क्योंकि आप लोग भी ये प्लांट भी 70% वाटर से ही बने होते हैं, और हम भी। सो गाइज़, इस प्लांट को वाटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटरिंग जो ये हम लोग प्लांट में करते हैं, ये प्लांट कभी कभी गर्मियों में 2-3 बार भी पानी मांग लेता है, और कभी कभी दोस्तों ये प्लांट सर्दियों में भी 2 बार पानी मांग लेता है। तो आपको क्या चेक करना है, आपको इसकी लीव्स चेक करनी है। इसकी लीव्स एकदम डल हो जाती हैं, और दोस्तों इस तरह करके सुकड़ जाती है, देखिए इस तरह सुकड़ती हैं। तो अगर इस तरह से सुकड़ गई, या फिर दोस्तों इस तरह से इसमें ये इस तरह का मतलब वो हो गया, थोड़ा सा ये टिमशिन हो गई इसमें, मतलब थोड़ी सुकड़ना हो गया, तो दोस्तों इसमें आप लोगों को जो वाटर है फिर आपको इसमें ऐड करना होगा। सो गाइस,
ये जो वाटर है ये बहुत ही वाटरी प्लांट है, और साथ में अभी तो ये फुल सनलाइट का प्लांट है, लेकिन दोस्तों बाद में आप लोग इस प्लांट को जब गर्मियाँ तेज़ हो जाएंगी तो 3-4 घंटे की सनलाइट दीजिए। पूरे साल ही फ्लावरिंग करता है, बस थोड़ा सा 15-20 दिन रुकता होगा मुश्किल से, लेकिन पूरे साल ही फ्लावरिंग करता है। और बाकी अगर थोड़ा डोरमेंट हो जाए मौसम के हिसाब से तो दोस्तों करीबन 1-1.5 महीने तक फ्लावरिंग रुकती होगी, बाकी पूरे साल फ्लावरिंग रहती है। ज़ेब्रिना हॉलीहॉक में कम रहती है, ज़ेब्रिना हॉलीहॉक में वैसे पूरे साल ही फ्लावरिंग रहेगी अगर आप इसको लगे रहने देंगे, लेकिन थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन नॉर्मल हॉलीहॉक तो हर वक्त ही फ्लावरिंग करता है। ये गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लांट है, आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। ये प्लांट आपको बहुत ही ज़्यादा प्यारा रिजल्ट आपको आपके गार्डन में देगा। बाकी दोस्तों इसमें नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर कीजिए, जिससे कि पत्तियाँ हमेशा हेल्दी बनी रहे हमेशा, और कभी भी दोस्तों उनमें कोई भी होल आपको दिखे तो एकदम स्प्रे कीजिए। और बाकी दोस्तों इसमें कभी भी अमीडा क्लोरोफिट का स्प्रे मत कीजिए, इसकी पत्तियाँ ज़्यादा जल जाती हैं। लेकिन अगर कंट्रोल से बाहर निकल जाए दोस्तों प्लांट और पेस्ट अटैक ज़्यादा हो जाए तब तो अमीडा क्लोरोफिट का स्प्रे करना पड़ता है, लेकिन केमिकल्स इस्तेमाल मत कीजिए, हमेशा नीम ऑयल का प्रयोग कीजिए। जो नीम ऑयल दोस्तों आप लोग खाते हैं या फिर प्लांट्स के लिए अलग से भी आ जाता है, उसमें प्लांट्स के लिए अलग से भी दोस्तों एक हो जाता है कि प्लांट्स में मतलब अलग चीज़ें उसमें डाली जाती हैं प्लांट्स के हिसाब से, तो कोई सा भी नीम ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो खाने वाला होता है, जो हम लोग भी पी लेते हैं कभी कभी, एक दोस्तों होता है बताशे में नीम ऑयल पीते हैं तो बेटर रहता है, तो दोस्तों ये जो होता है ना नीम ऑयल इस तरह पीने से, मैंने भी कई बार ऐसे पिया है, तो ये आपके प्लांट्स के लिए भी वो वाला नीम ऑयल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है जो हम लोग पीते हैं, उसे ले आइए, बेटर है। नेक्स्टली दोस्तों इसमें आप लोगों को नीम ऑयल के साथ फंगस पाउडर, डिश वॉश ज़रूर मिलाना है, क्योंकि ये विंटर सीजनल है दोस्तों, तो इसीलिए ये प्लांट आप लोगों को थोड़ा सा फंगस अटैक अपने में दिखा सकता है, तो इसीलिए फंगस पाउडर का स्प्रे करते रहिए नियमित रूप से। बाकी दोस्तों प्लांट की केयर तो सेम ही रहती है ज़्यादातर, हॉलीहॉक का जो प्लांट होगा ज़्यादातर इसकी जो केयर रहेगी हॉलीहॉक के मामले में सेम ही रहेगी, जैसी इसकी है वैसी नॉर्मल हॉलीहॉक की है, लेकिन एक वीडियो मैं अलग से उसके ऊपर भी बना दूंगी, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से दोस्तों प्लांट के बारे में समझ आ जाए। डॉर्फ वेराइटी प्लांट है, देखिए मेरा कितना ज़्यादा हेल्दी हो गया है, और बहुत ज़्यादा दोस्तों मुझे ये प्लांट प्यारा लगता है। आज दोस्तों इस प्लांट को मेरे साथ कैमरे पर आना था, इसीलिए इस प्लांट ने आज बाहर बारिश करवा दी है, और मेरे साथ कैमरे में देखिए कैसे बैठा हुआ है, और मुझे मालूम है कि मेरा प्लांट दोस्तों सब कुछ सुन रहा है, मेरी बात समझ रहा है इमोशनली, और मैं जानती हूँ कि ये प्लांट्स भी हमारी बात सुनते हैं। सो गाइज आई ट्रीट इट एज माई फ्रेंड, तो मैं ट्रीट करती हूँ बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स की तरह। बाय गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आई होप पसंद आई होगी जानकारी, तो लाइक करके जाइएगा।